गाइस, आप लोगों ने कॉल करते समय या कॉल रिसीव करते समय आप लोगों ने +1 +9 1 +3 3 ये नंबर तो जरूर देखे होंगे। तो आप लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि ये क्या है और क्यों है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्चुअल ये कंट्री कोड होते हैं जो हर देश के अलग अलग होते हैं। जैसे कि अमेरिका में कॉल करने के लिए +1 लगाना होगा, फ्रांस में कॉल करने के लिए +33 इसके बाद नंबर, और फिर आप वहां के व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को +1 ही क्यों मिला। तो बात ये है कि 1950s में जब टेलीकम्युनिकेशन ग्रो हो रहा था, तब नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था इस टेक्नोलॉजी को हर जगह फैलाने का, और टेलीफोन का शुरुआती इन्वेंशन भी अमेरिका और कैनेडा से लिंक्ड पहली बार उसी एरिया में आया था, और इसीलिए यूएसए और कनाडा का डायलिंग कोड +1 है। अभी के समय ये सब कंट्री कोड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU कंट्रोल करती है, जिसमें सारे कंट्री शामिल हैं। ये पूरे विश्व की ग्लोबल लेयर की एजेंसी है और अभी के समय यही सब कुछ मैनेज करती है। गाइज, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।